हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, क्या आप भी इनकम टैक्स पे करते हैं? अगर आप भी इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो चलिए देखते हैं। सरकार ने टैक्स पेयर्स को दी बड़ी राहत। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ITR फाइल करने की तारीख 31 जुलाई तक बढ़ाई। कोरोना वायरस महामारी के चलते केंद्र सरकार ने पहले ही वित्तीय वर्ष 2019-20 असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख को भी बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख को भी बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी है। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के चलते केंद्र सरकार ने पहले ही वित्त वर्ष 2019-20 असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख को भी बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने एक अधिसूचना के माध्यम से 2019-20 वित्तीय वर्ष के लिए IT अधिनियम के तहत कटौती का दावा करने के लिए विभिन्न निवेश करने की समय सीमा को 31 जुलाई 2020 तक एक महीने तक बढ़ा दी। CBDT ने हाल ही में असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फार्म 1 से फार्म 7 को नोटिफाइड किया है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट की तारीख। हालांकि टैक्स पेयर्स के लिए सेल्फ असेसमेंट के भुगतान की तारीख का कोई विस्तार नहीं होगा, जिसमें सेल्फ असेसमेंट टैक्स लाइबिलिटी 1 लाख रुपये से अधिक है। इस स्थिति में आयकर अधिनियम 1961 में निर्दिष्ट नियम तारीखों तक पूरा सेल्फ असेसमेंट टैक्स दे होगा और विलंबित भुगतान IT अधिनियम की धारा 234A के तहत ब्याज भी देना होगा। IT अधिनियम के चैप्टर 6AB के तहत कटौती का दावा करने के लिए विभिन्न निवेश भुगतान करने की तारीख, जिसमें धारा 80C, LIC, PPF, NSC आदि, 80D मेडिक्लेम, 80G डोनेशन आदि को भी आगे बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया गया है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इन सेक्शन के तहत कटौती का दावा करने के लिए 31 जुलाई 2020 तक निवेश भुगतान किया जा सकता है। 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दी है। टैक्स ऑडिट की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2020 कर दी गई है। अब बात करते हैं किसके लिए ज़रूरी है इनकम टैक्स रिटर्न भरना। अगर आप नौकरी या कारोबार से कमाई कर रहे हैं और एक वित्तीय वर्ष में कुल आय 2.5 लाख रुपये या उससे अधिक है, आपको उस साल आयकर रिटर्न भरना जरूरी है। अगर आप तय समय तक ITR फाइल नहीं करते और तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगर आपने भी अभी तक अपना इनकम टैक्स पे नहीं किया है तो जल्द ही करें। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।